शब्द सार या शब्द सार धुत। धुत जो शब्द है या शब्द है वो आज के समय में बहुत ही ज़्यादा गंदा या नेगेटिव या बहुत ज़्यादा छोटा और ख़राब माना जाता है, क्योंकि ये कहते हैं कि शराब में धुत हो गया या नशे में धुत हो गया या ये तो धुत पड़ा रहता है। ये जो धुत शब्द है ये पाली के अंदर बहुत गौरवशाली शब्द है। धुत का मतलब है हटाया गया या वहाँ से धुना गया। मतलब आप धुना गया या हटाया गया का मतलब है कि धुना का मतलब होता है कि आपने मेहनत करके उसको हटाया है, और हटाया का मतलब है कि आपके अंदर कोई ऐसी चीज़ है जो आपने हटाई है। धुत जो आता है शब्द, इसका मतलब है कि जो व्यक्ति अपने जितने भी विकार हैं, जितनी भी शरीर की गंदगी है, जितने भी मन की गंदगी है, उनको जब धुनता है और उनको हटाता है तो वो धुतधर हो जाता है, यानी वो धुत हो जाता है और उसको धुत बोलते हैं। धुतधर का मतलब है जिसने उन सारे नियमों को जो मन के विकारों को हटाने वाले हैं उनको अपनाया है और उनको धुना है और उनमें वो रमा है, उनमें वो जिया है, इसलिए उसको धुतधर बोलते हैं। और जितने भी इसके नियम हैं उसको धुतंग बोलते हैं, यानी कि उसके तपस्वियों के नियम या साधकों के नियम या जितने भी भिक्खु और भिक्खुणी हैं उनके तप के जो साधना के नियम हैं उनको धुतंग बोलते हैं, यानी धुत के अंग, यानी हटाने के जो नियम हैं, विकारों को हटाने के जो अंग हैं उनको बोलते हैं धुतंग। मगर बाद में जैसे ही जितनी भी बुद्ध की भाषा थी या जो बुद्ध के नियम थे या जो बुद्ध की शिक्षाएँ थीं, जब वो भारत से विलुप्त की गईं तो धुत को लोग भूले नहीं और धुत को धूर्त में बदल दिया, यानी कि जो धुत है उसको धूर्त कहने लगे और जो धुत्ती है उसको धुर्ती कहने लगे। और जो धुत्तक है, धुत्तक का मतलब होता है भिक्खु या जो सामने है या जो उसको सीख रहा है उसको धुत्तक बोलते थे, उसको धूर्त कहने लगे। और धुत्तिका का मतलब होता था पाली के अंदर भिक्खुणी, यानी कि जो धुत के नियम का पालन करती है तो उसको धुत्तिका यानी धूर्ती बोलने लगे। इस प्रकार धुत के नियम का, धुत के शब्द का बहुत ज़्यादा निगेटिव अर्थ बनाया गया, जबकि इसका बहुत पॉजिटिव और अच्छा अर्थ है। अगर कोई धुत है तो उसको चार बार नमस्कार करना चाहिए कि वो अपने शरीर के विकारों को हटाने में लगा हुआ है। धन्यवाद।